For 100 years, Nikon has remained curious and open-minded. Always believing in the power to motivate humanity of every generation. Professional photographers, artists, and camera enthusiasts around the world. Assalam ko, agar Rizwan sahab humare sath join kar liya to abhi thoda sa unka mere khayal hai jo issue hai wo apna issue bhi batayenge ki kya issue tha to uske baad hum isko continue karte hain aur next time thoda sa isko karte hain ki continue is pe issues na bane. अस्सलाम तो रिजवान भाई आप डिस्कशन स्टार्ट करें ताकि थोड़ा सा हो जाए भाई, भाई या तो इसका कोई तरीका का ऐसा करना पड़ेगा हमें कि इसको थोड़ी सेटिंग्स के वाले से या फिर पहले से अपलोड करके गूगल के ऊपर वीडियो. मैं चाह रहा था लाइव सेशन में इसको सारा शेयर करता लेकिन कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो पा रही. पहले मैंने सारा कुछ कर लिया था, सारे इसके स्पीकर ये वो कैमरा ऑनलाइन, लेकिन अब एकदम से नेट की सर्विस जो अब मैंने मोबाइल पर ऑन की है तो तब जाके थोड़ा सा चला, लेकिन कंप्यूटर पर नहीं चल पा रहा मैं तो फायदा कोई नहीं हो रहा मुझे. चले इसको हम पता है क्या कहते हैं आगे भाई, ये सारी प्रॉब्लम हमें समझ लग गई है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं सारे एसओपीज भी बना दूंगा सबके लिए, टीचर्स के लिए भी, और सबको एक दफा प्रैक्टिस तो करवाई होती है. लेकिन फिर भी आप ये करें कि आज क्वेश्चन आंसर सेशंस कर लें. मैंने सर गोल्ड भी जोंग की गोल्ड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, दो तीन चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर सिस्टम को अलग-अलग से मैं सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे एडजस्ट करूं. सही, तो यही आप डिस्कशन रखिए फिर इसका ना कोई सलूशन निकाल लेते हैं. अच्छा तो मैं सारे के सारे इस टाइम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट है ताकि थोड़ा सा आप रेमेडी आपसे मैं उसकी डिस्कशन भी करता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में प्रीव्यू भी देता हूं, मुझे एक मिनट दीजिएगा. अच्छा जी, ये एक फोटोग्राफ मैंने आपसे की है और आप गेस कर सकते हैं कि इसमें कितनी क्लाइट्स इस्तेमाल हुई होंगी, क्या सिस्टम लगा हो. जी सर मैक्सिमम 3-2 लाइट्स का कम से कम है आइडिया सर. 5 लाइट नहीं, आई थिंक एक लाइट है और उसके क्या नाम है, उन्होंने रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रखी होंगी. दैट इज दोबारा से बताइएगा क्या कहते सर. इसके नीचे ग्लॉसी कलर की ब्लैक कलर की शीट है, आपने साइड में कुछ इसके ऊपर कुछ पोर किया हुआ है. And there is a single light used into this image. Single light used kiya aapne. Are you sure? Doctor, single light. Yes, one agar light. अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन तो सीधे हाथ से नहीं है और उल्टे हाथ से भी. लाइट सर इसके बैक साइड पे है जिसकी वजह से इसका जो शेडो बन रहा है वो इसके फ्रंट पे बन रहा है, तो प्रोडक्ट है उसकी बैक साइड पे लाइट है और एक सिंगल लाइट. अच्छा एक सिंगल लाइट है, लेकिन अगर इसके अगर आप आर्म्स पे देखें यानी कि इसकी जो कहते हैं ना स्पाइंस दोनों साइड्स की लेफ्ट और राइट की, तो वहाँ पे लाइट तो फ्रंट पे भी रोल ओवर हो रही है. सर लाइट ऊपर से पड़ रही है और जो इसका साया है वही दिखाई दे रहा है साइड से. अच्छा अगर मैं आप लोगों से यार ये बच्चे जिनके स्पीकर के पीछे से आवाजें आ रही हैं जरा बंद करें, तो ये डिस्कशन मैं ये आपको क्लेम करता हूँ कि जिस टेक्निक से ये तस्वीर मैंने बनाई है ठीक है, और इसका पैटर्न मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा था, पूरी तैयारी से था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं प्रैक्टिस भी सामने करना चाह रहा था. अगर ये स्पीकर आपने माइक ऑफ कर लें दोबारा से, जुबैर साहब कहें कि माइक ऑफ कीजिएगा. सर अगर डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना ये नॉइज नहीं नहीं वो पीछे बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं. एनीवेज मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो इसमें कोई रिफ्लेक्टर मैंने यूज नहीं किया हुआ नंबर वन, और अगर आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर 7 से 8 लाइटें नजर आएंगी, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, पीछे से भी, यानी कि उनकी मल्टीपल फ्लेयर्स आपको नजर आएंगी. तो अगर आप इस पर रिसर्च करें और तैयारी करें, मैं आपके साथ आई वुड लव कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ कि ये क्या टेक्निक इस्तेमाल की है, बट मेक इट श्योर कि मैंने ये टेक्निक पूरी दुनिया में. अच्छा मजे की बात है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है,
कोई स्ट्रोब लाइट नहीं है, सिंपल फ्लैश गन से ये तस्वीर बनी है, जस्ट नेकेड बेयर हेडेड फ्लैश गन के साथ ये तस्वीर मैंने बनाई हुई है। तो आप इसको जरा देखें और इस पर रिसर्च करें। मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा कुछ पैटर्न ढूंढ के बताइए कि जिससे सिंगल फ्लैश से ये लाइट बन ये तस्वीर बन सकती हो। सिंगल फ्लैश गन, कोई बड़ी पावरफुल लाइट्स नहीं, कोई स्ट्रोब लाइट्स नहीं, कोई स्टूडियो लाइट्स नहीं, कोई कॉन्स्टेंट लाइट नहीं, जस्ट वन सिंगल फ्लैश लाइट। अगर आप उसको देखेंगे तो आपसे सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या किया हुआ है, हम आपसे सीखने के लिए आए हैं। अगर हम खुद से ढूंढने गए तो फिर हमें क्लास ज्वाइन करने का तो फायदा नहीं है। सर, इज दैट अ मिरर प्लेस्ड अंडर द प्रोडक्ट? आई थिंक जी ये प्रोडक्ट के नीचे आपने मिरर रखा हुआ है। हां, नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं वो सेटअप की बात, जहां इसके नीचे आप प्लेन पेपर रख लें, काला शीशा रख लें, कोई ग्लॉसी शीट रख लें, कुछ रख लें, बैकग्राउंड पे भी कोई चीज नहीं है, वाइट वॉल है, लेकिन लाइट्स को, फ्लैश लाइट को इस तरह से यूज किया गया हुआ है और इस टेक्निक से यूज किया हुआ है कि एक सिंगल फ्लैश से इसमें मैंने तकरीबन 8 लाइट्स का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा रिफ्लेक्टर्स के साथ इंक्लूड करके, बट देयर इज नो रिफ्लेक्टर, नथिंग, ओपन। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तस्वीर को, मैं जुबैर साहब से शेयर कर देता हूँ, वो आपसे शेयर कर देते हैं, आप इसको देखें और ऐसा कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें कि जिससे सिंगल फ्लैश गन से क्या इस किस्म की तस्वीर। सर, जो सिंगल फ्लैश गन से किस एंगल से लिया आपने ये तस्वीर? बेटा, यही तो मैं आपका माइंड स्टॉर्मिंग चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ और आपके सामने करूंगा। वीडियो भी मेरे पास बनी पड़ी है, मुझे यूँ लग रहा है कि हमें पहले प्री रिकॉर्डेड, यानी कि जो है ना, पहले वो चढ़ानी पड़ेगी, फिर उसके बाद धूम पे आना पड़ेगा या डिस्कशन में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी नेट चलता तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता, कभी नहीं चलता तो बस अल्लाह ही माफ करे। जहां तक आपकी बात का सवाल है कि सिंगल बेयर हेड डायरेक्ट फायर मारे हुए फ्लैश से, अच्छा, ये भी मालूम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने तौर पे ढूंढे ऐसा कोई पैटर्न है दुनिया में अवेलेबल, जो नेट पे अवेलेबल हो, या कोई ऐसी टेक्निक कि जिससे सिंगल फ्लैश गन से ये तस्वीर बन सकती हो। जी, मैं नादिर बात कर रहा हूँ। जी, काइंडली अगर आप ये वाला, ये आगा रिजवान साहब जो भी फरमा रहे हैं जी, मतलब के बेसिकली वी वांट टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स, जो भी आप लोगों का टॉपिक था, और जहां तक ये कह रहे हैं जी इसको पूरी दुनिया में, जो आप कैरल टेलर को अगर आप स्टडी करते हैं तो आप उनको जाके देख लीजिए, यू विल फाइंड न्यूमरस ऑफ इमेजेस ओवर देयर, जो वो सिंगल लाइट या जो भी है वो उसको यूज करते हैं, वो तस्वीरें खींचते हैं जी। तो कहने का मकसद ये है सर कि मुझे तो सर, मैं सॉरी, मैं आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड के जी, जिस तरह का भी ये सेशन हो रहा है, आप अगर इसको लाइवली डिमॉन्स्ट्रेट करते तो मेरे ख्याल में मेरे जितने भी भाई और बाकी लोग बैठे हुए हैं उनको शायद बेहतर समझ आती। मैं नेट नहीं चल पाया तो मैंने यही वीडियो चलाना चाह रहा था, यही सेटअप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था, यही सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था। अब मैं सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा कनेक्शन जो है नेट का वो दोनों, ना पीटीसीएल का चल पा रहा है ना जोंग का बोल्ड चल पा रहा है, तो मोबाइल की डिवाइस से मैंने ऑन करके दोबारा से मीटिंग ज्वाइन की है। 16-17 मिनट तो मुझे इसमें लग गए। मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था और ई कॉमर्स के हवाले से करना चाह रहा था। नादिर साहब, एक्चुअली प्लान हमारा ऐसे ही था, अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन हुई है रिजवान साहब के साथ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जो मैंने ये लाइव सेशन का एक ग्रुप बनाया हुआ? जी जी, ठीक है, उसमें मैंने एक डाल भी दिया इंशाल्लाह इस सेशन को जिस तरह हमने सोचा। ई कॉमर्स के लिए सबसे बेसिक टर्म है, उसी तरह ही करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी यही इसलिए फोकस किया था, सॉरी स्टार्ट में मैंने इसलिए एक ड्रॉप कर दिया था कि सॉरी इस दफा हमारे साथ ट्यूटर के साथ कुछ मिस्टेक होगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसी तरह जिस तरह है कि लाइव डेमोंस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो हम सारा एक वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर उसको व्यू करके दिखा रहा होगा कि ये ओवरऑल कैसे कर रहे हैं। यही चीज मैंने भी कही है कि मेरा, मैंने सारा सेटअप लगा के बैठा हुआ था, सारी चीजें करके बैठा हुआ था कि मैं ये एक लाइव आपको दिखाता ताकि वो ज्यादा टेस्टफुल और ज्यादा ग्रेसफुल। और ई कॉमर्स के हवाले से यही था कि मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ आप इस तरह की बेहतरीन तस्वीरें बना सकते हैं। कोई, मैंने यहां तक कहा है कि इस तस्वीर में रिफ्लेक्टर भी नहीं यूज हुए हुए,
तो वो ई कॉमर्स की बुनियाद है। अगर अगर वर्बली थोड़ा सा बयान कर दें, अभी जैसे नेट तो नहीं चल रहा, सब लोग चाहे जाहिर है अवेलेबल है, तो बजाय इसके कि आप हमें, हम तो स्टूडेंट है ना, बजाय इसके कि आप हमें चैलेंज करेंगे या ढूंढ के लेकर आओ, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देखें कि ये एक लाइन, एक लाइट है, तो किस तरह से इसको जो है आप कर सकते हैं। वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें वो भी मैं बता दूं। जी बिल्कुल, मैं वो भी बताता हूँ। और मजे यही मैं चाह रहा था कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए कि यार ये काम सिंगल फ्लैश गन से हुआ भी हुआ कि नहीं हुआ हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह कि सिंगल लाइट से मल्टीपल इफेक्ट्स बगैर रिफ्लेक्टर के कैसे बना लिए। बजाहर तो ये बियॉन्ड द बैरियर्स लग रहा है कि कोई भी ऐसा काम हो ही नहीं सकता इस तस्वीर को सामने मद्देनजर रखते हुए, लेकिन मैं आपसे ये, मैंने यही कहा, मेरी कहने का मकसद ये था कि आपको अगर क्यूरियोसिटी होगी, आप ई कॉमर्स फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो मिनिमलिज्म की तरफ आपको आना पड़ेगा, ताकि अगर आपको लाइट इस्तेमाल करना आ गई तो आप दुनिया की हर प्रोडक्ट को इवन नेचुरल लाइट में भी कर सकते हैं, क्योंकि होती ही पहले नेचुरल लाइट में थी, उसके बाद ये बाकी आर्टिफिशियल लाइट्स आई। तो ये उसकी बुनियाद है कि अगर आप मिनिमलिज्म की तरफ, मिनिमम अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए। और मजे की बात यह है कि ये तस्वीर 1635 जो कि पूरी दुनिया में वाइड एंगल लेंस और वेडिंग का वाइड एंगल लेंस या लैंडस्केप का वाइड एंगल लेंस कॉन्सेप्ट इसका लिया जाता है, कि ये कंसीडर किया जाता है, ये वाइड एंगल लेंस से बनी है। नंबर 3 के इसमें कैमरा जो मैंने इस्तेमाल किया है वो D810 इस्तेमाल किया, और D810 में जो मैंने जो इस पे ऑप्शन ली, वो ऑप्शन ये ली थी कि मैंने कैमरे को क्रॉप फैक्टर बना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम DX पे भी ये काम कर सकते हैं, यानी कि जो एंट्री लेवल के कैमरे हैं उनसे भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी या इस तरह की ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टूल इस्तेमाल करना आ जाए तो आप उन चीज़ों से मिनिमम बजट के साथ। ई कॉमर्स का फायदा तो यही है ना कि फोटोग्राफर को, कि वो अपना मिनिमम इक्विपमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ले। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने तैयार किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरी हार्ड लक कह लें या जो भी कह लें, या सिस्टम में ना इस वक्त मैं कॉप कर पाया, या मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे रह गया। मैं अपनी तरफ से तो मैंने बड़ी अकलमंदी की हुई थी, 3-3 नेट रखे हुए थे कि चलो ये नहीं चलेगा तो कोई चलेगा, लेकिन 16 मिनट तो मुझे खुद ऑनलाइन होते हुए लग गए, तो उसके बाद तो वैसे एनर्जीज आप खुद सोचिए कि कैसी रह जाती है। तो ये है। अच्छा, जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल की है वो इमेज ब्लेंडिंग की है, बट अगेन मैं आपको एक चीज़ और इसमें शेयर कर दूं कि जो इमेज ब्लेंडिंग मैंने इस्तेमाल की है वो कैमरा के सपोर्ट से इस्तेमाल की है। मेरा ख्याल है 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इमेज ब्लेंडिंग इस्तेमाल की है मैंने, नंबर 1 कैमरा मेरा D810 था, नंबर 2 फ्लैश गन, सिंपल बेयर हेडेड फ्लैश गन है जिसको मैंने मल्टीपल एंगल से इसके ऊपर शॉट मारे हुए हैं, लेकिन कोई अडॉप्ट नहीं है इसमें, 0 अडॉप्ट। याद रखिएगा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 0 डाउन। मैं चाहता हूँ आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े, तो ज्यादा मजा आएगा कि आप एक चीज को डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, आपके लिए एक ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि बाज का ये होता है कि आपको दिखा भी दी जाती है। इवन हम फिल्म देखते हैं, बेशुमार ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो बाज का चीजें समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप तस्वीर देख कर पहले उसके ऊपर अपना थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे ना, तो वो ज्यादा सॉलिड और स्ट्रांग हो जाती है। सर मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल ही के लिए तो कोशिश की भाई मेरे कि मेरा प्रैक्टिकल हो जाए, अगर प्रैक्टिकल ही नहीं हो पा रहा तो मुझे फायदा ही कोई नहीं है कि मैं इसको चलाऊं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, और जहां तक मेरा ख्याल है आपने इस पिक्चर को लॉन्ग एक्सपोजर पे लिया डार्क रूम में, जहां पे भाई लॉन्ग एक्सपोजर पे भी हो सकती है, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल हो सकती है। आपने इसकी पोजीशनिंग चेंज की है, आपने फायर मोड पे बेयर हेडेड गन पकड़कर और मल्टीपल स्पॉट्स इसको फायर, बिल्कुल एक तरीका ये भी है, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लॉन्ग एक्सपोजर विद फ्लैश गन, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, आप बिल्कुल ट्रू पॉइंट पे पहुंचे हैं। क्योंकि जो मुझे पिक्चर देख के लग रहा है और आप बता रहे हैं कि आपने फोटोशॉप यूज नहीं किया, तो जहां तक क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और इतनी नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक डार्क रूम है जहाँ पे सिर्फ कैमरा पड़ा है और आप मल्टीपल स्पॉट से इसके ऊपर लाइट फायर कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचे हैं। मैं लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा एक और टेक्निक दूंगा कि दोनों मैंने इस तरीके से भी काम किया है, इसको लाइट पेंटिंग कहते हैं, फ्लैश लाइट पेंटिंग, नॉट लाइट पेंटिंग, फ्लैश लाइट पेंटिंग। लाइट भी चली गई, अब AC भी बंद हो गया,
आज ही सारे काम होने थे मुश्किल में। तो एक तरीका आपका बिल्कुल ठीक है जो आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, बिल्कुल उससे एग्री, आई एम 100% एग्रीड कि इस तरीके से काम किया जा सकता है। आगा साहब और बताइए। आगा साहब इसको है कि हम इंशाल्लाह ये जो जिस तरह हमने प्रैक्टिस की थी और जिस तरह हमने डिफाइन किया हुआ है तो हम इसको नेक्स्ट वीक रिपीट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर सारे ज्वाइन हैं कि नहीं, जो नहीं व्हाट्सएप पे वो काइंडली डिस्कशन व्हाट्सएप पे कर ली जाए। और मैं, मेरा ख्याल है कि हम इसे ना पेज पे चढ़ा लेते हैं और इसकी डिस्कशन फिर बाद में हम वहां पे कर लेते हैं, यानी कि वीडियो को पहले चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो अमूमन मैं ये देख रहा हूँ कि नेट का इशू आता है या तो रुक रुक के चल रहा है या फिर फिल्म हैंग हो रही होती है या प्रॉब्लम हो रही होती है। फिल्म को अगर अपना नाइकन के पेज पे हम डाल देंगे उसके बाद उसको हम उसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप या लाइव उसे उधर ही चैट कर लेते हैं, उधर ही डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन एक बच्चे ने ये जो जवाब दिया ना बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू है, वेरी एक्सीलेंट, मैं मतलब आई हाईली अप्रिशिएट दैट गाय। मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन उससे प्रॉपरली बिलाल अहमद नाम है इनका भाई का, कंज्यूम किया है। लेकिन मैंने ये टेक्निक, हाँ बिलाल का, जुबैर साहब इनके लिए प्राइस वगैरह रखिएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो टेक्निक मैंने बार बार कहा था कि मैंने इमेज ब्लेंडिंग भी की है, तो अभी तक आप लोग उस तरफ नहीं आ पाए, जरा उसको भी देखिएगा कि इमेज ब्लेंडिंग कैसे हो सकती है इस पे। सेकंड कट जिस तरह कहते हैं कि मल्टीपल शॉट्स होते हैं आप कैमरे में ही, जिस तरह HDR होता है, इस तरह से नाइकन के कुछ आते हैं कैमरास में ऑप्शंस सारे एंट्री लेवल के सब कैमरों में बेटा, वो भी है, बिल्कुल है। आपने उनमें से कोई एक यूज किया है जिसमें वो मल्टीपल शॉट्स? हां जी बिल्कुल, बिल्ट इन कैमरास में होते हैं और वो बिल्ट इन शॉट्स मतलब मल्टीपल शॉट्स वो, हां मल्टीपल उसको सेट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इमेज ब्लेंडिंग बता सकते हैं क्या हो सकता, क्या होती है, क्या चीज? सवाल दोबारा कीजिएगा। इमेज ब्लेंडिंग थोड़ा बता सकते हैं? इमेज ब्लेंडिंग देखो एक तो टेक्निक होती है अडोब में जाके हम करते हैं, 90% तो अडोब में ही होती है, लेकिन एक इमेज ब्लेंडिंग जिसको मल्टीपल एक्सपोजर भी कहते हैं वो हम कैमरे के अंदर, अगर आप कैमरे के आइकॉन्स को रीड करना जानते हैं या कैमरे की थोड़ी सी स्टडी करें या गूगल करेंगे इमेज मल्टीपल एक्सपोजर कहते हैं एक्चुअली उसे, मल्टीपल एक्सपोजर ऑन सेम वन सिंगल इमेज। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, यानी कि यूँ समझ लें कि जब से कैमरा फोटोग्राफी एनालॉग स्टार्ट हुई तो इसी काम को किया जाता था। इस तरह से किया जाता था कि पहले तो हमारे पास इतनी अडोब वाला सिस्टम नहीं था, अडोब जो होती थी वो हाथ से नेगेटिव के ऊपर पेंसिल से या डॉजिंग वगैरह से की जाती थी, या मल्टीपल नेगेटिव्स बनाकर उनको ऊपर नीचे सैंडविच करके ना हम इमेज ब्लेंडिंग किया करते थे। लेकिन अब वो सारी टेक्निकें या तो आपके पास डिजिटल डार्करूम यानी कि अडोब या लाइटरूम, या फिर आपके पास कैमरे के अंदर बेशुमार ऑप्शंस हैं, मतलब बियॉन्ड द पैरियर वाले। सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं? नहीं आज का रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्ड नहीं कर रहे, नेक्स्ट वीक में दोबारा इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको कर लेंगे प्रैक्टिकल करके। लेकिन मैं मतलब बिलाल की नॉलेज के ऊपर आई अप्रिशिएट, आदिल साहब का भी स्पेशल वही पॉइंट है, हमारा भी वही पॉइंट है, जो लाइफ जो है पॉइंट उसका सारा व्यू करते हुए फिर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे नेक्स्ट वीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं रिकॉर्ड करके पहले आप अपलोड कर देंगे, आप उसको देख के फिर ग्रुप में आ जाइएगा या उसी वक्त रिकॉर्डिंग देखते हुए चेक कर लीजिएगा, ताकि मतलब वो चीजें गड़बड़ ना हो जाए ना, जंबल मंबल हो जाती है। इसमें स्टेप्स बड़े काउंट करते हैं कि कैमरा ना हिल जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि मल्टीपल फायर करने हैं, तो मल्टीपल फायर करते हुए अगर जरा सा भी एक मीटर का भी मतलब एक जरा सी फ्रिक्शन का भी फर्क आ गया एक फायर से दूसरे फायर के दरमियान, तो उसको कैसे, अच्छा अगर आपके पास अगर वो है ही नहीं, क्या कहते हैं एक्सटर्नल, वो क्या अल्लाह भला करे, शटर रिलीज केबल, नहीं शटर रिलीज केबल, ट्राइपॉड भी चाहिए। अगर ट्राइपॉड भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ई कॉमर्स का फायदा तो ये है कि आपके पास ट्राइपॉड भी नहीं है, शटर लीज केबल भी नहीं है, कोई महंगा सेटअप भी नहीं है, तो फिर भी ये तस्वीर बन सकती है सिंपलेस्ट वे में कि हमने किस तरह से कैमरे को उसको स्टैंड बाई करना है। और ई कॉमर्स के लिए याद रखिएगा कि हाई रेजोल्यूशन तो चाहिए होती है, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर नहीं चाहिए होती कि वो अपलोड होने में टाइम ले। ई कॉमर्स में हमारी जो मैक्सिमम तस्वीर का साइज होता है वो 100KB, 200KB, इससे ज़्यादा कोई भी दुनिया की अच्छी वेबसाइट जो है ना इमेज नहीं चढ़ाती। उसकी बुनियादी वजह यह है ई कॉमर्स में अगर वो तस्वीर अपलोड होते हुए और आपके सामने आते हुए 5 से 10 सेकंड ले गई तो इट्स योर फेलियर।
कि वो वेबसाइट स्लो स्पीड हो जाएगी। जब वेबसाइट स्लो स्पीड हो जाएगी तो इसका मतलब है कि क्लाइंट आपका स्किप होने का चांस है। ई कॉमर्स में हमेशा तस्वीरों का साइज केबीज में होता है, नॉट एमबीज। ये चीज भी बहुत ज़हन में रखने वाली चीज है। तो इस हवाले से आपके जो DX कैमरा है दे आर एक्सीलेंट फॉर दैट काइंड ऑफ फोटोग्राफी, क्योंकि उनसे हम सारे काम निकाल सकते हैं। अच्छा सर, ये मुझे कहिए बताएं कि इमेज ब्लेंडिंग और ब्रैकेटिंग कैन बी काउंटेड एज द सेम और देयर इज अ डिफरेंस इन दोस? इमेज ब्लेंडिंग और मल्टीपल एक्सपोजर, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रैकेटिंग। यस, ओवर नहीं नहीं, ब्रैकेटिंग नहीं की मैंने सर। ना, ये ब्रैकेटिंग नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन। मुझे पता है आपने ब्रैकेटिंग की, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। दोनों में हेलो डिफरेंस सर, ऑब्वियसली देखें, ब्रैकेटिंग जो होती है वो अंडर और ओवर तस्वीरों के लिए होती है, जबकि ब्लेंडिंग जो होती है वो फोकस स्टैकिंग के लिए होती है। मोस्टली फोकस यानी कि आपने डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ानी होती है उसमें, तो आप इमेज ब्लेंडिंग, और या आपने स्काई चेंज करने हैं या एनवायरनमेंट चेंज करनी है या डेप्थ ऑफ फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर ही काफी लोगों का ना नहीं समझ रहे। बिल्कुल अच्छा, मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ कि अगर आप अपने फेस के सामने उंगली खड़ी कर लें बिल्कुल एक फुट के फासले पे और सारा फोकस अपनी उंगली पे कर लेंगे तो आपको पीछे की कोई चीज साफ नहीं नजर आ रही होगी। लेकिन अगर एक उंगली एम्पायर की खड़ी है फील्ड के अंदर तो अंपायर भी नजर आ रहा होगा, उसकी उंगली भी नजर आ रही होगी, उसके पीछे खड़े हुए ऑडियंस भी नजर आ रहे होंगे। तो जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जब आपकी कोई चीज सब्जेक्ट जितना कैमरे के करीब आ जाता है ना, उसके पीछे ब्लर का चांस डेप्थ ऑफ फील्ड के शैलो होने या उसके ब्लर होने का चांस बढ़ता जाता है। की बात कर रहा हूं कि कितनी जरूरी है और कहां पर जरूरी है ज्यादा, क्योंकि हर जगह पे शैलो तो नहीं ना काम आएगी। बिल्कुल, देखिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी में तो डीप ही डीप चाहिए, यानी कि जितनी आपकी प्रोडक्ट है ना वो तो 100% अनटिल अनलेस आप एडिटोरियल शूट्स ना कर रहे हो। एडिटोरियल शूट्स में ये होता है कि बॉटल, जैसे कोका कोला की बॉटल है वो किसी टेबल पे पड़ी हुई है, तो फोकस में जो एक्सेप्टेबल फोकस था ना हमारा, वो ये था कि वो बॉटल जो है वो फोकस में नजर आए, तो पीछे पड़े हुए कबाब, आग, चीनी या जो भी पीछे बैकग्राउंड है वो ब्लर दिखाई जा रही होती है, ताकि सारा फोकस आपका सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। गॉट माय पॉइंट? तो ये एक बहुत बड़ी रिलेटिव टर्म है कि जी मैं आपको कहूँ जी एक इंच होनी चाहिए या दो इंच होनी चाहिए, ये इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये आपकी एस्थेटिक से भी बिलोंग करती है और आपकी नॉलेज से भी बिलोंग करती है और आपके लेंस की पावर के साथ भी इसका रिलेशन डायरेक्टली 100% है। अच्छा, और मेरा एक और सवाल ये है कि अब जैसे मेरे पास है Nikon D7000, जब मैं कभी कोई प्रोडक्ट से लेके तस्वीर लेती हूँ, जैसे अब आप कह रहे हो जैसे आपके पास कोका कोला की बोतल ले लेते हैं, तो मुझे ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो फोकस पे प्रॉब्लम होती है। अब मैं ये परेशान हो जाती हूँ तो मैं फोकस करूँ तो किस चीज पर करूँ, या तो बोतल के ऊपर या लोगों के ऊपर, किस चीज पे किया जाए? देखें, जब आपकी प्रोडक्ट अगर आपका इश्तिहारी प्रोडक्ट है तो अच्छा, उसमें दो तीन बातें आती हैं जेन में मेरे, जो आपका सिनेरियो मेरे जेन में आया ना। देखिए, अगर तो वो एडिटोरियल शूट है, एडिटोरियल शूट ये होता है कि किसी खातून ने बोतल पकड़ी हुई है और वो पी रही है, और तब जाके आपका जो है ना बॉटल और सब्जेक्ट दोनों फोकस में होने चाहिए, फिर उसके बाद आपका फोकस जो है ना आउट हो, ब्लर हो। अगर आपका इस सिनेरियो में अगर आपकी बॉटल फोकस में आ रही है और पीछे जिसके हाथ में पकड़ी हुई है वो आउट ऑफ फोकस हो रही है, तो जी अब आ रही है आवाज? आ रही है? अच्छा, मैं ये कह रहा था दोबारा आ रही है। अच्छा रिजवान साहब, जी जुबैर बात कर रहा हूँ। अच्छा रिजवान साहब भाई, एक्चुअली जिस तरह का हमारा मोमेंटम है वो तो बिल्कुल ब्रेक हुआ है। अगर हम ऐसा करें, एक तो हम इनसे स्टोरी एक्सक्यूज कर लें और दोबारा कुछ टाइमिंग सिंस के हम सेटअप सजेशन ले लें ताकि उसके मुताबिक, अच्छा ये जो वो बेटर होगा ताकि एक्चुअल उसके मुताबिक हो जाए, तो एक SOPs के मुताबिक हो तो फिर अच्छा भी लगेगा वर्कशॉप। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा तो एक है कि आप सॉरी एक्सक्यूज कर लें कि हम और नेक्स्ट सजेशन ले लें कि नेक्स्ट सैटरडे को करें, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को पहले भी होगी 4 बजे, तो हम पहले कर लें या संडे को कर लें जैसे ऑडियंस कहती है, दिस इज ओवर मिस्टेक। तो इस वजह से ताकि थोड़ा सा जैसे सजेशन देते हैं आप चैट में
और हम उसको मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा मैम, आप पे जो छोटे मोटे सवाल और भी हैं वो भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि फिर उनकी भी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ कि उनके सवालात के जवाब ये हैं, और एक कैमरा उसके हवाले से भी मैं एक स्केच दे दूंगा। मेरा तो आंसर कंप्लीट नहीं किया था सर। अच्छा मैडम, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके ना प्रॉपरली पूरी आपको रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। इधर पीछे बस 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 बस, अच्छा आ रही आवाज आप, क्लियर हो गई? ये पीछे पीछे से किसी का माइक ऑन है, सुहेल चौथो के नाम से किसी का माइक ऑन है। ये जुबैर साहब, ये जरा माइक को ऑफ कीजिएगा, मैं एक सवाल कर मैंने कर दिया। अच्छा जी बच्चे, ये था कि अगर आप एडिटोरियल, आपने जो बात किया ना कि बॉटल और सब्जेक्ट साथ दोनों हैं, तो दोनों ही फोकस में होने चाहिए एक हद तक, लेकिन अगर बॉटल टेबल पे पड़ी है और पीछे बैकग्राउंड में बंदे बैठे हैं जैसे पार्टी हो रही है, तो उसमें ब्लर चल सकता है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फोकल लेंथ क्या थी और एफ नंबर क्या था, अपर्चर तो नंबर वन अपर्चर आपका क्या था, और दूसरा ये था कि आपको, अच्छा इसका एक और आसान सवाल जवाब दे देता हूँ, आपने कभी डी ओ एफ कैलकुलेटर इस्तेमाल किया? डी ओ एफ कैलकुलेटर, इट्स अ ऐप ऑन एवरी मोबाइल फोन, यानी एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है, और आप उसको जरा सा स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको ये पता चल जाएगा जब मैं तस्वीर उतारूंगी तो इस सिनारियो में कितना मुझे डी एफ मिल रहा है, यानी कि एक्सेप्टेबल फोकस रेंज जो मुझे मिल रही है, तो बड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। दो चीजें, फोकस डिस्टेंस, अपर्चर और फोकल लेंथ, ये तीनों मिलके डी एफ को कंट्रोल करती है, खाली अपर्चर डी एफ को कंट्रोल नहीं करता। यानी कि आपका लेंस उसकी फोकल लेंथ, लेंस एक्चुअली होता ही फोकल लेंथ है, क्योंकि वो आपका एरिया डिफाइन कर रहा होता है कि आपने उस वक्त कितना एरिया लेना है। और दूसरी उसमें जो चीज होती है कि आपका, आपके लेंस से सब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा आपकी जो डीओएफ है ना वो शैलो होती जाएगी, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, चाहे इसमें अपर्चर आप ऐड करें या ना करें, ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये बड़ी आपस में ना जिस तरह एक्सपोजर ट्रायंगल काम करती है ना, तो डीओएफ के लिए भी अपर्चर। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से मैं आपको सॉरी कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से मेरी कोताही की वजह से आपका टाइम भी खराब हुआ, और जो चीज़ हम करना चाह फिर इस सेशन को हम खैर से क्लोज करते हैं, और प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे। फर्स्ट हाफ में जैसे सजेशन आई है तो हम फर्स्ट हाफ में रखेंगे और उसको फाइनलाइज कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी, मैं वंस अगेन सॉरी फ्रॉम माई साइड।